Good morning, students. So this is food, our basic need. And in the previous video, I have explained you about the nutrients. You have to learn this definition of nutrient. Either you can learn this first definition or the second definition. It's up to you. You have to learn any one definition from each of it. And we have nutrients present in our food. I have explained to you about carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Now in the next video, I told you that we are going to explain in detail about the various type of nutrients which are present in our food. So first one is carbohydrates. Carbohydrates give energy to our body. It's a energy giving food. So food items like vegetables, fruits, bread, idli, sugar and cereals contain carbohydrates. So food items mein pata hi hoga, vegetable kisko bolte hain, sabzi, fruits aapke phal ho gaye, bread aap khate hain, idli, sugar matlab chini hoti hai, cereals matlab aapke anaj hote hain. जो भी अनाज आप खाते हैं, गेहूं, चावल, दाल, ठीक है, तो वो सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं. जो भी खाना कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा बना होता है उसको बोल देते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. People who do a lot of physical work like laborers and farmers should consume food rich in carbohydrates. तो जितने भी लोग हैं जो ज़्यादा physical work करते हैं, physical work मतलब जो energy ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे laborers, laborers मतलब होते हैं मजदूर जो घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, bridges बनाते हैं बड़े बड़े, तो वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं. तो ज़्यादा मेहनत जो करता है farmer मतलब हमारे किसान, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं, तो उनको खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो कार्बोहाइड्रेट समझ में शायद आ ही गया होगा. आगे पढ़ते हैं, इट्स अबाउट प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, दे बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ अवर बॉडी. प्रोटीन जो है वो आपको ग्रोथ में हेल्प करता है, आपको बढ़ाने में हेल्प करता है, और ये आपके मसल्स को बिल्ड करता है और रिपेयर करता है. रिपेयर मतलब होता है ठीक करना जो आपके डैमेज्ड पार्ट हैं. डैमेज्ड पार्ट कभी कभी नर्व्स आपकी फट जाती हैं या मसल टियर हो जाता है, तो फिर उसमें हेल्प कौन करता है? प्रोटीन उसको रिकवर करने में हेल्प करता है. तो प्रोटीन आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और रिपेयर करता है डैमेज पार्ट ऑफ अवर बॉडी के लिए. नाउ कौन कौन से खाने के आइटम हैं जो आपके प्रोटीन रिच हैं? दे आर मिल्क, एग्स, मीट, फिश, कर्ड, चीज, नट्स, बीन्स एंड पल्सेस. इसमें आपको सबकी हिंदी पता होगी, सिर्फ कर्ड मतलब होता है दही, नट्स मतलब तो पता ही है आलमंड्स, कैश्यू नट्स, आपके बादाम, काजू, बीन्स मतलब होते हैं जो बीन्स आप खाते हैं, जैसे चने हो गए, राजमा हो गया, पल्सेस मतलब आपके सब तरह के दालें, ठीक है, तो वो सारे आपके प्रोटीन रिच फूड हैं. नाउ फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये बॉडी को बिल्डअप करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है बॉडी बिल्डिंग फूड. इसका दूसरा नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो प्रोटीन को बोला जाता है. और ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड प्रोटीन एज दे आर स्टिल ग्रोइंग. तो ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, जैसे आपकी एज के, तो आपकी एज के जितने भी बच्चे हैं उनको ज़्यादातर क्या खाना चाहिए? प्रोटीन्स खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो अभी भी बढ़ रहे हैं. सो दिस इज द चैप्टर, एंड टुमारो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट टू मोर थिंग्स विच आर फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.